एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं वो राइफोर्ड के साथ होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें टीचर के बारे में बताती है जो कि वही माउंटेन्स पे रहता है और जिसको शायद टेरापोगस के बारे में कुछ पता हो, और वो उस टीचर का नाम ब्रायर बताती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज है वो ब्रायर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहीं पे हमारे हीरोज की सवारी ब्रे बजाय की बिल्कुल नए रूप में वहाँ हमारे हीरोज को लेने आ जाती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज है वो अपने बाकी के राइजिंग वर्सेस के साथ दोबारा रियूनाइट हो जाते हैं और उसी के बाद अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं, जहाँ उसी के अगले दिन जो हमारे हीरोज है वो डिसाइड करते हैं कि वो जो ब्रे बजाय वो उसकी इंडोर टूर पे निकलेंगे और देखेंगे कि आखिर उनकी ब्रेव असागी में क्या क्या नए चेंजेस आए। जहाँ पे वो उसी ब्रेव असागी में हर एक कॉर्नर पे देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ नया है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी ब्रेव असागी अब पहले से और ज्यादा बेटर बन चुकी है और उसमें एक उन्हें नया किचन, पावर सिस्टम और रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज है वो इस सबको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस जाते हैं और उसी पे जो फ्रेड है वो भी वहाँ पे आके जो लीक होगी लूशियस वाली बेल्ट थी जो उसने अपने पास रखी थी वो को वापस कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारे राइजिंग वोल्टर्स है उनकी जर्नी सिक्स हीरोज को पकड़ने की दोबारा स्टार्ट हो जाती है, जिसपे जो टेरापोगस है वो तभी बाकी के जो थ्री हीरोज थे लेप्रस, ओलिविया और मोर्टस उनको बाहर बुलाता है और उनको हमारे हीरोज से बैटल करने के लिए कहता है ताकि वो देख सके कि जो हमारे हीरोज है उन्होंने अपनी इस एडवेंचर में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। जिसपे जो बैटल्स है वो स्टार्ट होती है और बैटल्स जो है वो एक साथ ही चल रही होती है, जहाँ पर ओलिविया की बैटल होती है लीको की सोरागाटो से, रॉय की क्रोकलोर की बैटल होती है मोर्टस से, और वहीं पे क्वैक्सवेल की बैटल होती है लेप्रस से, जहाँ उनकी बैटल ऐसे ही चलती रहती है और जो हमारे हीरोज हैं उस बैटल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी बैटल काफी इंटरेस्टिंग होती जाती है। जिसके बाद एक पॉइंट पे जो हमारे हीरोज हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पोकेमोन को टेरेस्टलाइज करेंगे और वो एक साथ ही अपने पोकेमोन को टेरेस्टलाइज करते हैं। जिसके बाद वो अपना फाइनल मूव उन थ्री हीरोज पे ट्राई करते हैं, बट उन थ्री हीरोज पे एक क्रैच भी नहीं आता, जिससे कि पता चलता कि असल में वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। और इसी पे जो हमारे हीरोज हैं वो इस बैटल को कंटिन्यू करना चाहते थे, बट तभी टेरापोगस है वो इस बैटल को यहीं पे एंड कर देता है और जो हमारे हीरोज होते हैं वो दोबारा से अपनी पोकेबॉल में चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जो लीको, नॉट और रॉय हैं वो उसको थैंक्स बोलते हैं उनकी इस बैटल के लिए, और इसी के बाद जो हमारे राइजिंग वोल्टर्स हैं वो दोबारा अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो एमैथ्यू हैं एक्सप्लोरर्स की टीम से, उसको अब एक्सप्लोरर्स की टीम से हटा दिया गया है, बट उसके जो टीममेट थे कॉर्निया और जर वो स्टिल उसके साथ जाने की जिद करते हैं, और इसी के बाद जो एमैथ्यू है वो उनको थैंक्स बोलता है और वो अपने नेक्स्ट मिशन पे चले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जब एपिसोड खत्म ही होने वाला होता है हमें एक स्ट्रेंज लेडी देखने को मिलती है, जिसको एक स्ट्रेंज पोकेमोन की ग्लिम्प्स देखने को मिलती है, और इसके हमें और कुछ पता चलता है कि जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।